रविवार को पूरे देश में करवा चौथ मनाया जाना है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला विवाह के बाद इसे शुरू करती है उसे पूरी उम्र व्रत करना पड़ता है। महिलाओं में करवा चौथ को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिलता है। इससे पहले महिलाएं बाजारों में कई प्रकार की खरीदारी भी करती हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि महिलाएं इन बातों पर गौर करती हैं तो उनका व्रत सफल होता है। सनातन धर्म के विद्वान पंडित मस्तराम शर्मा ने बताया कि करवा चौथ पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष रविवार 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाना है। महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती है। व्रत के दिन कई प्रकार की क्रियाओं का पालन किया जाता है। महिलाएं यदि ठीक प्रकार से व्रत की क्रियाओं का पालन करें तो व्रत सफल रहता है और उनके पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है, जो 20 अक्टूबर 2024 को पूरे हर्षोल्लास से पूरे हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाएगा। जैसे समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है, उसी प्रकार से भारतवर्ष में भी मनाया जाएगा। और इसमें जो है विशेष करके इस दिन महिलाओं के लिए जो है जो इसका व्रत की एक कथा होती है इसकी, उस जो पुस्तक है उसका जो है उसका अध्ययन करें, उसका उसको पढ़े और आगे जो है मूर्ति जो है शिव भगवान पार्वती और गणपति की मूर्ति को रख करके उसमें जो है आगे धूप दीप इत्यादि उसको जला करके जो है विधि विधान से जो है उस कथा का यदि श्रवण किया जाता है तो वो पति की दीर्घायु की कामना को देने वाला होता है। यही इसमें विशेष प्रकार का विधान है। चाहे पंचोपचार से करें, चाहे षोडशोपचार से करें, जैसा भी जिसके पास समय है वैसा करें, परंतु शाम को जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता तब तक जो है निराहार को होकर जो है चंद्रमा के लिए अर्घ्य दे, और अर्घ्य में भी उसमें जो है चावल इत्यादि अक्षत होते हैं और साथ जो है ये दुर्वा होती है और पुष्प इत्यादि होते हैं, उनको चंद्रमा को चढ़ा करके फिर अपने पति के लिए जो है वो एक छाननी होती है, उस छाननी के द्वारा पति का मुख भी देखे और चंद्रमा का मुख भी देखे तो पति के ऊपर किसी प्रकार की कोई निकृष्ट नज़र ना लगे और उसकी दीर्घ कामना के लिए और उसकी लंबी उम्र के लिए ऐसी प्रार्थनाएँ जो महिलाएँ करती है।